तो क्या हाल है भाइयों के? फिर अरे गेम से आ प्ले चुका है एक बार तुम्हारा फिर भाई से ओपिस भाई। डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले लेकर, और मैं उतरा हूँ स्टेडियम। उस स्टेडियम पे कोई उतरता तो नहीं, और सबसे पहले उतरते मुझे दिखती है एक गन जिस पे मेरा दोस्त झपट्टा मार देता है। तो उससे फटाफट से लेते हैं M4 और उसको देते हैं S12 के। अब मैं बस यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने वाला, और लूट करते निकलेंगे बंदों की तलाश में। अब जैसे मेरी लूट कंप्लीट होती है कि मैं इधर से घन साउंड आ रहे होते हैं, तभी मैं इधर आता हूँ। रास्ते में मुझे दिखता है एक बोट, तो पहले इसको कराते ये थोड़ी सी रुको गाड़ी थोड़ा की सा सैर, और मैं सामने थोड़ा एक और सा बंदा दिखता है, और इस भाई को तो अलग ही लेवल नॉक कर रहा है भाई। गाड़ी के नीचे ही आ गया, और मैंने भी एक गलती करी कि ये मेरी हेल्थ रुको कम हो गई। अब एक तो मेरी हेल्थ कम है और सामने वाले के पास स्किल के, तो होना क्या है? बस नॉक ही होना है, और मैं यहाँ हो जाता हूँ नॉक। और मेरे टीममेट के पास वो कौन शुक्र सा मानो कि S12 की थी, तो हम बच जाते हैं। बंदे ऐसे फटाफट से लेते हैं रिवाइव और बनाते हैं इन टीममेट दोनों का ऐसा डब्बा, और करते देखते हैं हैं। इसके बाकी के टीममेट कहाँ हैं। अब मुझे इनके बाकी के टीममेट तो मिलते नहीं है, मुझे कुछ बोट दिख जाते हैं जिनको मैं फिनिश करूँगा। अगर अच्छा गेम प्ले अरे बनाना है तो भाई किल यार तो तू यार चाहिए तू ही, यार और ऐसा इसके लिए कर रहा है बोट तू मुझे यार मारने ही ऐसा कर पड़ेंगे। रहा है। अब बोट मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ फिर से बंदों की तलाश में, और मुझे यहाँ पे पीला धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे आके मैं पहले रुकता हूँ और ट्राई करता हूँ कि एक को यहीं से नॉक कर दूँ। क्या पता बंदों के पास MK वगैरह हो तो मेरा M4 कुछ कर नहीं पाता है। और वैसे भी मेरा M4 अभी ग्लिच चल रहा है, पता नहीं क्या होता है, गोली आर पार निकलती है बंदे के। तो यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कि पहले एक को नॉक करूँ, सीधा घुसले घुसना है का पर भाई बंदे दो दो गोली लास्ट की लगने से रह जा रहे थे। लेकिन मेरा टीममेट एक को नॉक कर देता है, और जैसे एक नॉक होता है कि मैं तभी तुरंत पुश करता हूँ, और मेरा एक टीममेट बोलता है कि एक को बहुत लो कर रहा हूँ, पीछे वाले को पहले नॉक करना है। तो सबसे यार। पहले सी घुसेंगे उसी पे और उसी को सबसे पहले लो नॉक है पीछे करेंगे। वाला बंदा लो है मिथुन, सीधा जाके मार दियो ठीक है। सबसे पीछे रोटेट कर ऊपर घुस जा। अब इसके हाथ में S12 के देख के मेरी बुरी तरीके से फटती है, तो मैं बाहर आता हूँ, और बाहर मुझे दिखता है ये भाई साहब जिसको हम नॉक करते हैं। इसी के साथ होती है ये वाली भी स्क्वाड ख़त्म। और अगर आपको ये वाली स्क्वाड वाइप अरे अच्छी किल क्या है लगी हो मिथुन? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, और एक चैनल को जब कर रहा सब्सक्राइब हूँ करोगे तो एक बेल आइकन आएगा तो उसे भी प्रेस कर लेना, और उसको ऑल पे सेट कर लेना। मैं सीधा ट्राई तो करता हूँ सीधा बग्गी वाले को नॉक करने के, सीधा लेकिन तभी मुझे लेफ्ट में एक बंदा दिखाई देता है। तो पहले मैं उसे ही नॉक करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा एक उतार टीममेट दिया भी उतार नॉक हो जाता है। शायद बग्गी दिया। वाले ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, तो तभी मुझे सामने एक और बंदा दिखाई देता है। तो उसको नॉक और फिनिश दोनों ही करेंगे। और अब फटाफट से देता हूँ अपने सही है टीममेट मिथुन को यार। रिवाइव, और आगे पुश करते हैं फिर। इस साइड बंदा था, मार्क द वो बंदा था क्या लोकेशन। इस साइड में? दो थे, ये दो थे। हाँ बैठ बैठ, मुझने तो शॉट करना हो उसके अब पास जोश तो जोश में मैं पुश तो कर देता हूँ, लेकिन इसके हाथ में होती है RPG, जिसको देख के मैं थोड़ा पैनिक सा हो जाता हूँ। तो पहले इसलिए मैं यार। तो नेड कुक मेरे को करता घुसने हूँ दे, कि इसको नेड से मेरी नॉक लूट मेरे को करेंगे। तू मारना ठीक है। अब खिड़कियाँ चेंज करने पता के मिथुन चक्कर में मिथुन भूल पता जाता हूँ कि नेड का टाइम ख़त्म हो रहा है, और मैं अपने ही नेड से नॉक हो जाता हूँ। शायद उसने किल फील्ड में देख लिया था कि मैं अपने नेड से नॉक हो गया हूँ, कि वो मारा पुश उसने कर रहा होता है। इतने में मेरा टीममेट आता है और दो उसको एक शॉटगन चुप शॉटगन गया उसको। चिपका देता है, तो वो कवर में जाके हिल करने लगता है। और इतने में मुझे मिल जाता है रिवाइव, और रिवाइव मिलते ही उसको भी देते हैं ना अभी टपाटप। यहाँ पे है एंगल बना कर। तू क्या मैं इसके ऊपर मैं घुस रहा हूँ, डैमेज मारूंगा एक दो गोली ठीक है। तू मारना शॉटगन है, शॉटगन है तो शॉटगन है उसके पास। भाई भाई दो ही भाई भाई नहीं फिनिश कर दिया बैंड छूट में छूट मारू बैंड। पता कितना ज़्यादा डैमेज है उसका, दो दो तीन नैमो उसमें लग गई, मतलब कि ऐसे ही अट्रैक्ट। अब एंगल बनाने के चक्कर में मैं अपने टीममेट को खो देता हूँ, कि तभी मेरे पे एक बग्गी का स्लैमिन आता है, और मुझे नेड पिन करने का साउंड आ गया था। तो मैं खिड़की से कूद के पहले से,
अब इस भाई साहब की तो खड़े खड़े बन जाती है पेटी। मुझे लगा था कम से कम दो बंदे तो आए होंगे बग्गी पे, तो लेकिन ये अकेला ही होता है, शायद अपने स्क्वाड का आखिरी बचा होता है। अब यहाँ पे तो हो जाती क्लियर और आगे। भाई नहीं मिथुन, अगर मेरे लक ने मेरा साथ ना दिया तो शायद मैं दो दो बार इस ग्रोजा वाले से नहीं बच पाता। मैं जैसे ही नेड पिन करता हूँ कि बंदा हार्ड स्कोप करके बैठा रहता है पहले से ही, जैसे थोड़ा सा एंगल मिलता है उसको तभी फायर देता है वो मेरे पे। लेकिन अब चाहे कुछ हो जाए करना तो इसको नेड से ही नॉक है, और मैं तभी एक और नेड पिन करता हूँ उसको नॉक करने के लिए, और ये वाला नेड बिल्कुल सही होता है और जिससे वो नॉक भी होता है। और चल के फटाफट से उसको करता हूँ फिनिश और उसकी उठाता हूँ ग्रोजा। शॉटगन वगैरह घुस घुस मत घुस मत घुस। ये डुओ तो हो जाता है ख़त्म, और बस अब आखिरी के दो बंदे और अलाइव है और उन दोनों के पास ही होता है S12 की। अब आखिरी में आपको देखने को मिलेगा ग्रोजा वर्सेस S12 की, और सामने के दोनों के बंदे के पास S12 की होता है। तो बस आप देखिए कि मैं कैसे उन दोनों को मारता हूँ और कैसे मेरा चिकन डिनर निकलता है। आरपीजी ना करना। शॉटगन 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 भाई ओपी। रिवाइव देने लॉन्ग ले लेंगे। घुमा के ले घुमा के ले। ओरा 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 दिखा दिखा उसी घर पे। हाँ इसी सामने सामने और इसी दो के साथ हो जाता है मेरा चिकन डिनर। अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नीचे एक बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी दबा देना ऑल पे सेट। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो कर देना बस लाइक और सब्सक्राइब। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।